subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, हमने लास्ट में प्रेशर को डिफाइन किया हुआ था. आप जानते हो प्रेशर क्या है फ्रेंड्स. प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. हमने उसका फॉर्मूला भी देखा था. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फ्रेंड्स अब ये जो प्रेशर है वो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर सरफेस के ऊपर होते हैं और ये जो प्रेशर फील होता है वो डाउनवर्ड साइड होता है. लेकिन जो लिक्विड और गैसेस है जिसे हम अब एक कॉमन नेम देंगे फ्लूइड्स. फ्रेंड्स फ्लूइड किसे कहेंगे. फ्लूइड्स इट मींस दैट वो कैन फ्लो. जो फ्लो हो सके उसे हम फ्लूइड्स कहेंगे. और सारे लिक्विड जो ऑब्जेक्ट है या गैसियस ऑब्जेक्ट जो है वो सभी फ्लूइड्स कहलाते हैं. अब आप जानते हो कि सॉलिड जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रेशर या वेट होगा वो उसकी सरफेस के ऊपर होगा और जो सरफेस यहां पे कांटेक्ट में है. लेकिन जो फ्लूइड्स है उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा उस कंटेनर की हर एक वॉल के ऊपर वो अपना जो फोर्स है वो लगाएगा. तो फ्रेंड्स अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं बॉयंसी को. सो माइंड में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज बॉयंसी. अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स. फ्रेंड्स आप सभी स्विमिंग पूल में नहाने तो पड़े ही होंगे. अब जब आप नहाने जाते हो तब आप फील करते हो कि जैसे ही आप स्विमिंग पूल में उतरे आप अपने आप को जो है वो लाइटर फील करते हो. यानी आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट जो है वो कम हो गया. फ्रेंड्स दूसरा एक एग्जांपल है जब हम कुएं में से पानी निकालने के लिए बकेट को कुएं के अंदर डालते हैं तो जो बकेट है जब तक पानी के अंदर है हमें लाइटर फील होता है. लेकिन जैसे ही हम उस बकेट को पानी के बाहर खींचने की शुरुआत करेंगे तब हमें वो बकेट जो है वो हैवियर फील होगी. तो फ्रेंड्स इन दोनों एग्जांपल में हमने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट जो था वो पानी के अंदर था तब हमें वो लाइटर फील करवाता है. तो फ्रेंड्स इसे हम समझ सकते हैं बॉयंसी से. और उसके लिए हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल में एक एक्टिविटी है जिसमें हम एक प्लास्टिक की एम्प्टी बॉटल को जो है वो लेंगे. अब उस बॉटल को हम पानी के एक कंटेनर में जहां पानी भरा हुआ है ऐसे एक कंटेनर के अंदर जब आप इस बॉटल को रख रहे हो प्लास्टिक बॉटल को तब ये जो बॉटल है ध्यान में रखना ये जो बॉटल है वो क्लोज्ड होनी चाहिए. उसका जो इस तरह का हमें ध्यान में रखना है कि वो क्लोज होनी चाहिए ओपन नहीं होनी चाहिए. तो ऐसी एक बॉटल को जब हम पानी भरे हुए कंटेनर में वेसल के अंदर रखते हैं तो वो फ्लोट करती है. अब आप जानते हो फ्रेंड्स हमें माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या इस बॉटल के ऊपर जो वेट है इट मींस दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है क्या. फ्रेंड्स यहां पे एक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये तो फ्लोट क्यों कर रही है वो नीचे की ओर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अर्थ की ओर वो क्यों नहीं जा रही है बॉटल. तो फ्रेंड्स उसको और एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं. आप इसको थोड़ा सा पुश करो फोर्स लगाओ एक्सटर्नल फोर्स आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो और जैसे जैसे आप इस बॉटल को पानी के अंदर फोर्स से डालोगे तब आपके हाथ के ऊपर आप एक अपवर्ड फोर्स को फील करोगे और जैसे जैसे आप इस बॉटल को पानी के अंदर डिपर टू डिपर पुश करते जाओगे आपके हैंड के ऊपर का जो अपवर्ड फोर्स है वो भी इंक्रीज होता हुआ आपको फील होगा. तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इस बॉटल को डीपर इनसाइड लेके छोड़ देते हो तो यही बॉटल जो है वो एकदम से रश होके पानी के ऊपर आ जाती है. तो फ्रेंड्स माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट मींस दैट उसका वेट है वो लग रहा है तो
तो फिर ये बॉटल नीचे क्यों नहीं जा रही है? इसका रीजन है फ्रेंड्स, यहां पे जो पानी है उसके द्वारा इसके ऊपर यानी अपवर्ड साइड जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स जो है वो वेट से ज्यादा है. इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉटल ऑन अपवर्ड साइड इज ग्रेटर देन इट्स वेट. इसीलिए ये जो प्लास्टिक बॉटल है वो ऊपर की ओर रश करती है. क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये जो अपवर्ड फोर्स है इसे हम कहेंगे बॉयंट फोर्स, और इस घटना को हम बॉयंसी कह सकते हैं. तो फ्रेंड्स आपने यहां पे देखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फ्लूइड के द्वारा जो बॉयंट फोर्स है वो लग रहा है. अब ये जो बॉयंट फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. फ्रेंड्स अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक आयरन की नेल को लेंगे तो वो पानी के अंदर सिंक यानी डूब जाती है, और उसी आयरन का बना हुआ बड़ा शिप जो समंदर में तैरता है. तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों चीजें आयरन नेल और शिप एक ही मटेरियल की बनी हुई है तो फिर भी एक डूब जाता है और एक फ्लोट यानी कि तैरता है, तो ऐसा क्यों होता है? उसको हम समझ सकते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू. हमारी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है. इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है? एक नेल को लेना है और पानी भरे हुए कंटेनर में जब हम उसे डालते हैं तब वो जो नेल है वो पानी के अंदर सिंक हो जाती है. अब ये सिंक क्यों होती है? क्योंकि यहां पे ये जो आयरन नेल है इसकी डेंसिटी ज्यादा है. अब डेंसिटी ज्यादा है किससे? डेंसिटी ज्यादा है पानी से. इट मीन्स दैट आयरन नेल हैज हैवियर डेंसिटी देन वॉटर. सो ये जो आयरन नेल है वो पानी के अंदर डूब जाती है. अब इसी आयरन नेल की जगह अगर हम एक रबर कॉक को लेंगे तो वो हमें पानी के ऊपर फ्लोट होता हुआ दिखाई देगा. अब ये फ्लोट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है कॉक की डेंसिटी वो पानी से कम है, इसीलिए ये जो कॉक है वो पानी के ऊपर तैरेगा. तो फ्रेंड्स कोई भी चीज सिंक होगी या फ्लोट होगी वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर और उसके फोर्स के ऊपर. इट मीन्स दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये अपना वेट जो है वो ज्यादा फील करेगा अपवर्ड फोर्स से, इसीलिए ये चीज जो है वो सिंक हो जाएगी. उससे उल्टा अगर कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है इट मीन्स दैट जो अपवर्ड फोर्स है वो वेट से ज्यादा फील होगा. इट मीन्स दैट वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट होगा. तो फ्रेंड्स यहां पे हमने आज जो है वो बॉयंसी क्या है और बियॉन्ड फोर्स क्या है, कोई भी चीज फ्लोट क्यों होती है और सिंक क्यों होती है, उसको हमने यहां पे डिस्कस किया. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे एजुकेशनल वीडियोज को.